अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ममाज़ व्लॉग। आज मैं जो होम रेमेडी लेकर आई हूँ वो ड्राई स्किन वालों के लिए है। जैसे कि मैंने वादा किया था लास्ट वीडियो में कि मैं ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, हर स्किन के हवाले से आप लोगों को होममेड रेसिपीज़ बताऊँगी, सॉरी रेसिपीज़ नहीं, रेमेडीज़ बताऊँगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल होगी एज़ यूजुअल। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आप लोगों को एक छोटी सी प्याली के अंदर ये थोड़ा सा मिल्की टाइप पेस्ट लग रहा है, ये एक्चुअली है क्या? इस रेमेडी के लिए आप लोगों को सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिनमें से जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास मिल्क पाउडर। अब आप सोचेंगे मिल्क पाउडर क्यों? क्योंकि मिल्क पाउडर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ड्राई स्किन वालों के लिए, स्पेशली ऑयली स्किन वाले इसको ना अप्लाई करें, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि वो ड्राई स्किन वाले जो ड्राई स्किन है जिनकी, वही इसको अप्लाई कीजिए। हमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो है मिल्क पाउडर, और जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास लिक्विड मिल्क। या आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं और बॉइल्ड मिल्क भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। असल में रॉ मिल्क मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि रॉ मिल्क जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉइल्ड मिल्क। उसके अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके स्किन को यूज़फुल करने की, और बहुत से वाइटामिन और मिनरल्स उसके अंदर होते हैं जो कि आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सो रॉ मिल्क आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोगों ने जस्ट 1 टीस्पून मिल्क पाउडर लेना है, और इसके इस प्याली के अंदर या किसी भी बाउल के अंदर आप उसको ऐड करके आपने 2 टेबल स्पून जो है मिल्क लेना है, कौन सा लिक्विड मिल्क ले लेना है, उससे आपको इसको पेस्ट बनाना है। बस इतना पेस्ट बन जाए कि थिक सा एक आपको इसकी कंसिस्टेंसी महसूस हो, तो जो कि आप अपने फेस पर अप्लाई कर सके। फेस और नेक, नेक को मत भूलिएगा, वो भी आप लोगों का हिस्सा है। प्लीज़ आप लोग ये ज़्यादातर ये रेमेडी जो है मैं सिर्फ फेस के लिए बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको हैंड और फुट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसका जो फ़ायदा यह है वो ये है कि ड्राई स्किन के तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ड्राइनेस, उसको डील करेगा, उसको मॉइस्चराइज करेगा। जो सेकंड इसका फ़ायदा ये कि उसके साथ साथ आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो देगा। थर्ड इसका फ़ायदा ये है कि एक यूथफुल से आप लोगों को, हम ये कह सकते हैं यूथफुल सा लुक देगा। तो फोर्थ इसका फ़ायदा आप ये सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर एक शाइनी सी लेयर जो है आपको महसूस होगी। उसके साथ साथ ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, वो भी इस रेमेडी को अप्लाई करने की वजह से रिमूव हो जाते हैं। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और मैजिकल है ड्राई स्किन वालों के लिए। वो इसको वीक में 2 बार अप्लाई कीजिए, और 15 to 20 मिनट्स आपको अप्लाई करना है। 15 or 20 मिनट्स तक आप इसको अप्लाई कर लें, और देन उसके बाद आप इसको वार्म वाटर से वॉश कर लें। जैसे आपको ये ल्यूक वार्म वाटर भी हो सकता है, आप इसको वॉश कर लें, और जैसे ही आपको लगे मास्क सूख गया है या आप ड्राई हो चुका है तब आप इसको जाके वॉश कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में जो ड्यूरेशन और टाइमिंग जो है वो सिर्फ 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। सो ये थी हमारी रेमेडी ड्राई स्किन वालों के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा, मैं इसको खुद अप्लाई कर चुकी हूँ क्योंकि मेरी भी ड्राई स्किन है, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे लगती है क्योंकि मैं वीक में 2 बार इसको अप्लाई करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है हमारी स्किन का वो होता है कि मॉइस्चराइज इसको, ये हाइड्रेट, हाँ सबसे बड़ी बात हाइड्रेट करता है आपको। ये मास्क जो है आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। और सबसे पहली बात, अगर आप पानी नहीं पीते तो फिर ड्राई स्किन वालों के लिए, मैं ये ड्राई स्किन नहीं, चाहे वो ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, हर स्किन वालों को अगर अपनी स्किन के अंदर ग्लो लाना है तो प्लेंटी ऑफ वाटर का इस्तेमाल कीजिए। वरना कुछ भी अप्लाई कर लें, कोई आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा जब तक आप अंदरूनी ग़िज़ा को ठीक नहीं करेंगे। होप यू विल लाइक माई वीडियो। और दूसरी बात, मैं आपको ये और बता दूँ कि थैंक, दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन।